कोविड-19 यानी कोरोना कहते हैं, इसके फैलने की मुख्य वजह क्या है? आज का जो भी समय है या लॉकडाउन से पहले का जो भी समय था वो काफी हेक्टिक शेड्यूल वाला रहा है और ऐसे में खुद को हेल्दी फाइबर है जो कहीं ना कहीं गैप होता है, गैप की वजह से बहुत ज्यादा चैलेंज रहते हैं। जल्द आ रहा है आपकी सेहत से जुड़ा एक नया कार्यक्रम सेहत की बात एक्सपर्ट के साथ, बुधवार शाम 5 बजे आपके अपने न्यूज 1 हरियाणा पर। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन और रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला रोहतक की विद्युत व मेडिकल ब्रांच ने कार्यकारी अभियंता P4 के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल रोहतक के जिला प्रधान शिव कुमार ने बताया कि P4 के कर्मचारियों की मांगें काफी समय से लंबित पड़ी थी, जिन्हें कई बार कार्यकारी अभियंता से बातचीत करके उनका समाधान निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन उनका समाधान नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से वर्कर्स यूनियन ने नोटिस देते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं: कर्मचारियों के पहचान पत्र जारी किए जाएं, ठेकेदार द्वारा कच्चे कर्मचारियों का PF खातों में डाला जाए और इसकी जाँच की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पिछले 6 महीने का वेतन नहीं मिला है उन्हें वेतन तुरंत दिया जाए और खाली पदों पर योग्यता अनुसार भर्ती की जाए। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन संविदित सब कर्मचारी संघ, क्या डिमांड है सर? हमारी डिमांड ये है जी, कच्चा कर्मचारी आज कट्टे सरकार ये कह है किसी को भूखा नहीं सोने देवा, 5 महीने हो गए तनख्वाह मिले, बड़ी शर्म की बात है, चाचा चाचा तो महीने तनख्वाह मिले इनके, एसी को ये जो एसी खरीदे हैं इनके लिए तो पैसा है, ऐशोर आराम के लिए तो पैसा है, हमारा कर्मचारी जो भूखा मर रहा है इसके लिए 4 रुपये नहीं इनके पास, फिर कर्मचारी को धमकी देते हैं पहली तारीख को ना, ये भाई बड़ी शर्म की बात है इन अफसरों के लिए, सरकार के लिए। आने वाले समय में सब कर्मचारी संघ, मैं सब कर्मचारी संघ का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले समय में अभी 2-3 दिन धरना चलाएंगे, उसके बाद हम इसको घराए भी करेंगे, इसका इस एक्शन का इसको लिखने नहीं दिन देंगे, चाहे आरा प्रशासन आए, चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे कुछ हो, तो हमारा कच्चा कर्मचारी को हटाया भी जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, ये कहना चाहता हूँ। अपना इंद्रपाल बत्रा, क्या समस्या आपकी यहाँ? यहाँ समस्या ये है कि आज 6ठा महीना लागू हो गया, आउटसोर्सिंग में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं तो उनको सैलरी नहीं मिल रही, बार बार कहने के बावजूद ये झूठे आश्वासन दे रहे हैं, आज देंगे कल देंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं है, जबकि इनके पास पैसा आ जाता है उस पैसे को नजायज ये और चीज़ों पर लगा देते हैं, जैसे पंखे खरीद लिए, AC खरीद लिए और सामान खरीद लिया, उनके लिए इनके पास पैसा है, कर्मचारी को देने के लिए सैलरी नहीं है। ये समस्या कब से आ रही है आपकी? ये समस्या काफ़ी टाइम से आ रही है, पीछे भी धरना लगाया था जब इन्होंने इकट्ठी दे दी थी, धरना लगाते हैं तो फिर ये दे देते हैं, अदरवाइज ये सुनाई नहीं करते। कितने दिनों से सैलरी नहीं आ रही सर? ये आप 6ठा महीना लग गया जी। अच्छा, हाँ जी, आप यहाँ कब तक बैठे? हम आज से ही धरना चालू किया जी। कितने नहीं आए? 70 के लगभग है जी मेरे पास, और BNR के अलग है सिविल के 20 कर्मचारी हमारे, मतलब 100 लगा के चलो आप, 100 कर्मचारी हैं जी, सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आई। खबरें जो आपको करेंगी खबरदार, सरकारी नुमाइंदे देंगे जनता के लिए किए गए हर काम का हिसाब, खबर गांव गली व चौक चौराहे की, खबर शहर बाजार और जनता से जुड़े सवालों की, खबर खेल शिक्षा और हरियाणवी संस्कृति, हम आ रहे हैं आपके पास लेने हर उस सवाल का जवाब।